नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, अश्वगंधा जिसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है, उसका स्थान प्राचीन भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद में काफी महत्वपूर्ण रहा है। ये कई सदियों से इस्तेमाल होती आई एक बहुत ही नायाब जड़ी बूटी है। और दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम आपको अश्वगंधा के कुछ नायाब फायदों के बारे में ही बताने जा रहे हैं और इसके कुछ छोटे मोटे नुकसानों के बारे में भी बताएंगे। अश्वगंधा अपने सूजन कम करने के गुण, एंटीऑक्सीडेंट और तनाव कम करने के गुणों के साथ हृदय स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अच्छा है। ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नीचे लाता है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि अश्वगंधा को कैंसर जैसी बीमारी में भी उपयोग किया जा सकता है। ये ट्यूमर सेल को खत्म करने की गतिविधि के साथ बिना हस्तक्षेप किए कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जाना जाता है। भारत में अश्वगंधा पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में दोनों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पर अश्वगंधा के प्रभाव को विशेष रूप से डिप्रेशन में अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन ने स्ट्रेस और डिप्रेशन के संबंध में अश्वगंधा के लाभों का समर्थन किया है। अश्वगंधा में तनाव विरोधी गुण भी माने जाते हैं। परंपरागत रूप से ये एक व्यक्ति पर सुखद और शांत प्रभाव देने के लिए प्रशासित किया जाता था। अश्वगंधा को रूमेटोलॉजिक प्रॉब्लम्स की समस्याओं के लिए प्रभावी पाया गया है। ये जड़ी बूटी सूजन और दर्द को कम करने के लिए जानी जाती है। रिसर्च में पता चला है कि अश्वगंधा में सूजन कम करने के गुण हैं, जो अल्कलाइड्स, स्पोनिन्स और स्टेरॉइड्स लैक्टोन से आते हैं, जो इसके भीतर पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार अश्वगंधा मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। अश्वगंधा में पारंपरिक धारणा के अनुसार जीवाणु रोधक गुण है और मौखिक रूप से इसके सेवन किए जाने पर ये मूत्र जनन, जठरांत्र और श्वसन तंत्र के संक्रमण में प्रभावी है। ये घाव भरने और इसके इलाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। अश्वगंधा की जड़ों को पीसकर पानी के साथ एक चिकना पेस्ट बना लें। राहत के लिए घावों पर इस पेस्ट को लगाएं। अश्वगंधा का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में मधुमेह के लिए एक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मधुमेह के उपचार में अश्वगंधा के उपयोग पर अनुसंधान ने सकारात्मक परिणाम का संकेत दिया है। प्रयोगों ने दर्शाया है कि जब अश्वगंधा 4 सप्ताह की अवधि के लिए लिया गया, तब उपवास और दोपहर के खाने के बाद रक्त शर्करा के स्तर में काफी कमी आई। ये व्यापक रूप से कई शताब्दियों से माना गया है कि अश्वगंधा में कामोद्दीपक गुण है और लोगों ने इसे एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उनकी जीवन शक्ति और प्रजनन क्षमता में सुधार हो। हाल ही में एक अध्ययन में ये दर्शाया गया कि अश्वगंधा एक कामोद्दीपक दवा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अच्छी तरह से वीर्य की गुणवत्ता में सुधार लाता है। ये पूरे शरीर में तनाव भी कम कर देता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के मामलों में अश्वगंधा थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थायराइड ग्रंथि पर अश्वगंधा के प्रभाव पर एक अध्ययन से पता चला है कि इसकी जड़ों का एक्सट्रैक्ट अगर एक दैनिक आहार पर लिया जाए तो थायराइड हार्मोन के स्राव में वृद्धि होगी। अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न मुक्त कण को साफ और निष्क्रिय करने में बहुत प्रभावी रहे हैं। अश्वगंधा निचले अंगों की मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने और कमजोरी दूर करने में उपयोगी पाया गया है। ये मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अश्वगंधा केराटोसिस के इलाज के लिए उपयोगी है, जिसके कारण सख्त और रूखी त्वचा हो जाती है। इस त्वचा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिन में 2 बार पानी के साथ अश्वगंधा के 3 ग्राम लें। त्वचा को युवा रखने के लिए ये कोलेजन उत्पाद को बढ़ावा देता है और प्राकृतिक त्वचा तेलों की वृद्धि में मदद करता है। अश्वगंधा त्वचा कैंसर से भी आपका बचाव कर सकता है। अश्वगंधा शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करके बालों के गिरने को नियंत्रित करता है। अश्वगंधा बालों में मेलानिन की हानि को रोककर समय से पहले बालों के ग्रे होने पर रोक लगाता है। अश्वगंधा में टायरोसिन है, जो एक एमिनो एसिड है और शरीर में मेलानिन के उत्पाद को उत्तेजित करता है। चलिए अब बात करते हैं अश्वगंधा के कुछ नुकसानों के बारे में। गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें गर्भ गिराने वाले गुण होते हैं।
अश्वगंधा का उपयोग करते समय डॉक्टर सावधानी रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि अश्वगंधा सामान्य रूप से ली जा रही दवाइयों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मधुमेह, हाई बीपी, चिंता, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। बड़ी मात्रा में अश्वगंधा की खपत से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर दस्त, पेट की खराबी और मतली जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने डॉक्टर की सलाह के बाद और एक सीमित मात्रा में अश्वगंधा का सेवन करें तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।